गोल्डन बाबा का सफर कैसे तय हुआ, आपका शुरू में किस नाम से थे और उसके बाद धीरे धीरे गोल्डन बाबा के नाम से जाने गए पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, आपसे ये निवेदन है सवाल। देखिए, आपके सामने आज इस बात को आपने रखा तो इसको भी हम करते हैं पूरा, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब बचपन में बच्चा घर में कोई शरारती होता है तो माँ बाप उसको हॉस्टल में या गुरुकुल में रखते हैं जी, पढ़ाई के लिए। मैं जब 6 साल की उम्र में था तो मेरे माता पिता ने भी मेरे को गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार में एडमिशन दिलवाया और मैं गुरुकुल महाविद्यालय में 8 साल तक मैंने पढ़ाई करी, जबकि मैं 6 साल की उम्र में था। और उस 6 साल की उम्र में मेरे को चुटिया रखी गई, मेरे बाल मुंडवा दिए गए, धोती कुर्ता पहनाना वाइट चालू हो गए, जनेऊ गले में हो गया, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ हो गई चप्पल। तो 6 साल की उम्र में जब बच्चा गुरुकुल में चला जाता है तो नियम कायदे सारे सीख जाता है, वो सिखाए जाते हैं। तो मेरा तो भविष्य कुछ ऐसा था कि 6 साल की उम्र में ही मेरे को गुरुकुल में भेज दिया गया और वहाँ इतनी लंबी चुटिया रख दी गई, बाल कटवा दिए गए मेरे, उस तरह फिर दिया गया धोती वाइट वाइट कुर्ता। या 8 साल पढ़ाई करने के बाद जब दिल्ली चले जाते हैं हम, तो हमको कुछ ना कुछ अपने पालन पोषण के लिए कुछ करना भी पड़ता था। तो हरिद्वार से लगाव था, हरिद्वार में ही आगे और यहाँ आके हमने हल्की पड़ी में 4-4 आने की मालाएं बेची हाथ में लेके, जैसे आज लोग बेचते हैं। कभी कभी हमको पुराना ध्यान आ जाता है कि हम वो माला कैसा था, वो मोतियों की माला होती थी, हम लोग दिल्ली सदर बाजार से लाते थे, यहाँ बेचते थे। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पीठ बाजार लगाते हैं हम लोग 4-4 मीटर के। लेडीज सूट थे मेरे पास और रेडीमेड का कार्य था, कुछ करते थे। फिर एक बार स्टेच की निक्कर बेचता था ट्रेनों में जाके, गठरी ले जाके, स्टेच पेंट कलकत्ता से आती थी, उसकी एक पेंट की 4 निक्कर बनती थी, तो वो बेचते थे। ऐसे आस्ते आस्ते करते हुए स्नान में तो रात 11:30-11 बजे गुरुजी बुलाते हैं हमको, 2-4 साधु आते हैं, आपको महाराज बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ। तो बोले गोल्डन बाबा इधर आओ, इधर बैठो। हमने कहा यार पता नहीं, हमने ये गोल्ड पहनते हैं ये, तो इसलिए बाबा जी ने आज खुश हो गए, कह दिया गोल्डन बाबा इधर बैठो। हम उधर बैठ गए। कुछ थोड़ी देर बाद बोले को 11:30 बजे के करीब 2-3 साधुओं को, भाई जाओ आप लोग जाके स्नान कर लो और गोल्डन बाबा को भी स्नान करा के ले आओ। हम जब भी नहीं समझे, हम इनके साथ चले जाते हैं स्नान करने के लिए। स्नान करके आते हैं, जब टीके वीके कर देते हैं हमारे वो, तो लाते हैं तो आओ गोल्डन बाबा इधर बैठो। फिर हम नहीं समझे क्या हुआ। फिर 1 घंटे बाद हमको टीके वीके लगा के, साफा वाफा बांध के, पगड़ी बगड़ी बांध के, हार वार पहना के, बोले भी चलो गोल्डन बाबा को लेके चलो। रथ लग जाता है, एक रथ ओदा जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें आते हैं और गोल्डन बाबा नाम चल रहा है गोल्डन बाबा। वो कौन सा सन था बाबा जी? ये पिछला कुंभ जो था, ये पिछला 2013। हाँ जी, हाँ जी, 2012 लास्ट। ये हमारे साथ अभी आपने देखा, बात किए देश दुनिया के प्रसिद्ध और जाने माने बाबा गोल्डन बाबा, और हमने उनके बारे में आज समझा और बातें किया, और ऐसे ही हम स्टोरी और चीज़ें दिखाते रहेंगे। नमस्कार।